नमस्कार, स्वागत है आपका फैक्ट चेक। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सोशल मीडिया के जमाने में हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल किए जाते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक नाता नहीं होता। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम इस तरह की फैलाई गई खबरों के प्रति जागरूक रहें और आंख मूंदकर उन पर विश्वास न करें। कई खबरें तो किसी सार्वजनिक हस्ती की इमेज तक को खराब कर देती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो भी होते हैं जिनका समाज पर गलत असर पड़ता है। खबरों की इस बाढ़ में जरूरी है कि हम जिन फोटो या वीडियो पर भी संदेह है उसका फैक्ट चेक कर लें। आज ऐसी ही कुछ खबरों की हम करेंगे पड़ताल और उनके पीछे के सच को आपके सामने रखेंगे। हमारी सबसे पहली खबर होगी जहां वायरल वीडियो की हमने पड़ताल की है, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि ये सरयू नदी में होने वाले लाइट शो का वीडियो है। पड़ताल में आगे आपको वायरल वीडियो का पूरा सच दिखाएंगे। हमारी दूसरी खबर उस तस्वीर की पड़ताल होगी जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका में 108 फीट का शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। पड़ताल में आपको वायरल तस्वीर का पूरा सच भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो का अयोध्या का बताकर वायरल करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये सरयू नदी में होने वाले लाइट शो का वीडियो है। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी अयोध्या और राम मंदिर को लेकर कई प्रकार की तस्वीरें और वीडियो के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब एक वीडियो को अयोध्या का बताकर वायरल करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये सरयू नदी में होने वाले लाइट शो का वीडियो है। एक फेसबुक यूजर ने एक लेजर शो के वीडियो को अपने अकाउंट पर अपलोड करते हुए उसे अयोध्या का बताते हुए लिखा कि सरयू नदी से अयोध्या का अद्भुत प्रकाश शो। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसके लिए वहां जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। निर्माण कार्य से जुड़ी हर अपडेट की जानकारी सामने आ रही है। मंदिर निर्माण में जुटी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी समय समय पर मंदिर से जुड़ी हर अपडेट को शेयर करती है, लेकिन इस तरह के लेजर शो के बारे में हाल फिलहाल में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही किसी भी मीडिया आउटलेट्स में ऐसा वीडियो देखने को मिला। ऐसे में लाइट एंड साउंड के इस वायरल वीडियो की सच्चाई पता लगाने के लिए सबसे पहले हमने इस वीडियो को ध्यान से देखा। वीडियो में हमें कई बहुमंजिला इमारतें नजर आईं, जबकि अयोध्या में सरयू किनारे ऐसी कोई इमारत नहीं है। वीडियो में लाइट शो के दौरान वेद वन लिखा हुआ दिख रहा है। आप भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वेद वन साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि वेद वन पार्क नोएडा में है और ये पार्क चार वेदों की थीम पर तैयार किया गया है। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें कि हमारा पहला सवाल, वायरल वीडियो के पीछे की आखिर असली कहानी है क्या। दूसरा सवाल ये कि कहीं और के वीडियो को अयोध्या का जोड़कर अयोध्या का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है, और इसी की पड़ताल हमने की और इन दोनों सवालों का जवाब हमने जाना, देखिए। अयोध्या के नाम से वायरल हो रहे इस लाइट एंड साउंड के वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। वीडियो में हमें कई बहुमंजिला इमारतें नजर आईं, जबकि अयोध्या में सरयू किनारे ऐसी कोई इमारत नहीं है। जांच को आगे बढ़ाते हुए हमने वायरल वीडियो के कई की फ्रेम्स निकाले, फिर इन्हें गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया। सर्च के दौरान ये वीडियो 2 जुलाई 2023 को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड मिला। इसे नोएडा के वेद वन पार्क का बताते हुए अपलोड किया गया था। ये वीडियो हमें 4 जुलाई 2023 को एक एक्स हैंडल पर भी अपलोडेड मिला। वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए इसे नोएडा में वेदवन पार्क का ही बताया गया। ये पार्क चार वेदों की थीम पर बनाया गया है।
पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए वेदवन पार्क के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई गई। वेदवन की वेबसाइट के मुताबिक हर दिन शाम 7 बजे यहां लेजर शो का आयोजन किया जाता है। इस तरह जांच में वायरल पोस्ट झूठी साबित हुई। नोएडा के वेदवन पार्क में होने वाले लेजर शो की वीडियो को अयोध्या का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे। सोशल मीडिया पर एक शिवलिंग की तस्वीर खूब शेयर की जा रही है। इस तस्वीर के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि श्रीलंका में 108 फीट का शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर एक शिवलिंग की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पोस्ट में दावा किया गया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है और ये श्रीलंका में स्थित है। एक फेसबुक यूजर ने पोस्ट के जरिए दावा किया है कि श्रीलंका में 108 फीट का शिवलिंग बनके तैयार हो गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, बोलो हर हर महादेव। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर इसी मिलते जुलते दावे के साथ ये पोस्ट धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। वायरल तस्वीर के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि श्रीलंका में 108 फीट का शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। लेकिन पड़ताल के दौरान ऐसा कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिला कि श्रीलंका में 108 फीट का शिवलिंग बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में वायरल तस्वीर का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। इसके लिए हमने ये जानने की कोशिश की कि सबसे लंबा शिवलिंग कहां पर है। सर्च के दौरान ये सामने आया कि असम के गुवाहाटी से 120 किलोमीटर दूर नौगांव में दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई करीब 126 फुट है। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि अभी इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जरिए मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन यहां दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया गया है। वैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने महेश्वर की शिव पार्वती मंदिर के करीब 111.2 फीट के शिवलिंग को देश के सबसे ऊंचे शिवलिंग के रूप में प्रमाणित किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं दावे की सत्यता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, लिहाजा हमने वायरल तस्वीर को सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल ये कि अगर दावा सच है तो दावे का प्रमाणिक आधार क्या है। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं और के शिवलिंग को श्रीलंका से जोड़कर जानबूझकर अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। इसी का फैक्ट चेक हमने किया, देखिए। अपनी पड़ताल को शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले इस फोटो को गूगल लेंस सर्च किया। सर्च में हमारे हाथ एक ट्विटर हैंडल से 5 फरवरी 2018 को किया गया एक ट्वीट लगा। इस ट्वीट में शिवलिंग का इस्तेमाल किया गया था और साथ में लिखा था 63 फीट वेद साई महालिंगेश्वर प्रतिष्ठित सिद्धि गुरु श्री रामानंद महर्षि रामनेश्वरम नागिरेड्डी पल्ली भोंगेर। इस पोस्ट में इस शिवलिंग का दूसरे एंगल से भी लिया गया फोटो था। फोटो में लिखे डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये तस्वीर 63 फीट ऊंचे वेदा साई महालिंगेश्वर की है, जो कि नागिरेड्डी पल्ले भोंगिर में स्थित है। हमने इंटरनेट पर कुछ कीवर्ड के साथ भी सर्च किया तो हमारे सामने एक वेबसाइट का एक पेज खुला जिसमें इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। ये वेबसाइट आध्यात्मिक गुरु सिद्धि गुरु श्री रामानंद महर्षि की है। इस पेज के अनुसार ये वेद साई महालिंगेश्वर है और ये 63 फीट ऊंचा शिवलिंग परम गुरु श्री साई के नाम समर्पित है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि ये शिवलिंग तेलंगाना के नागिरेड्डी पल्ले भोंगिर में स्थित है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 63 फीट है और इसे स्टील और पीओपी से बनाया गया है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ है। वायरल शिवलिंग असल में तेलंगाना का है, जिसे श्रीलंका का बताकर वायरल किया जा रहा है। टी फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।